हेलो फ्रेंड्स, अभी बारिश के बाद ना हम लोग यहाँ पे मस्ती करने लगे हैं, रील्स बना रहे हैं। देखो, परी भी है, शालू भी है और विशु भी है और दीदी को हमने क्यूटी पाई बना दिया है दीदी को। हेलो एवरीवन, हम पहुंच चुके हैं घर पे। सो घर पे आने के बाद हमने खाना खाया था और खाना खा के ना अभी बस लेट गए थे हम। बच्चे भी सो गए थे और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है जब आप कहीं घूमने जाते हैं। और कृष्णा उधर बैठ के चिल्ला रहे हैं, विशु कैसे किस तरीके से उल्टा पुल्टा सो रहा है। यहाँ पे दीदी लीची ले आएगी, लीची खा लो पहले, उसके बाद जाएंगे जहाँ भी जाएंगे। सो हम बोल ले और नहीं, अरे दीदी इतना बहुत है ना, वो है ना, अरे नानी नहीं, नानी नहीं, नानी नहीं, नानी नहीं, नहीं क्या है टॉपिक। सो फ्रेंड्स, बात ये है कि हम जा रहे हैं मोमोज खाने और ये हमारी कृष्णा की टॉपिक। कौन दुल्हन है इसके अंदर? हैरी। तो ये सालू का पहला बाइट कबाब का। वो साल बोल रही है आप लोग भी खा लो, बोल रही है सालू। इतनी रात को ये दोनों के दोनों दुकान से आ रहे हैं, वो रही दुकान जहाँ पे लाइट जल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गोल गप्पे तो हमने मोमोज रात में खाए थे और रात में आने के बाद हमने ना बस क्या किया, सो गए। और अभी आपको मैं बुलवाती हूँ अपनी वाली भाई से, इनका है आज पेपर और ये शुरुआत होती है कूड़े से। ऐसे कचरा ले लो हाथ में, चलो हम तो कचरा फेंक के आ गए हैं। ऐसा नहीं है, ठीक है, मैं हर समय आपको उसका काम वाला वीडियो दिखा दी हूँ, तो मैं उठा लेती हूँ फोन को ना। हम वो हमारे घर की बहुत प्यारी बच्ची है, हम उसको बहुत प्यार करते हैं। बस एक बात है, वो बहुत ज़्यादा सीधी है तो उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। सो अभी शालू का है पेपर, वो जा रही है अपना पेपर देने के लिए और हम लोग तैयारी कर रहे हैं वैष्णो देवी जाने के लिए या फिर हरिद्वार जाने के लिए, क्योंकि हरिद्वार से ही हमारी ट्रेन है। भैया भाभी भी अभी यहीं हैं और अभी क्या है ना, मॉर्निंग का आई थिंक 8:30 हो रहा होगा और बारिश यहाँ पे कंटिन्यू हो रही है। मेरे को डर है इस बात का कि मैं सारे ही जो कपड़े हैं ना वो समर वाले लेके आई हूँ और यहाँ पे ना विंटर शुरू हो गया है, तो अभी डर बहुत ज़्यादा लग रहा है कि क्या होगा कैसे होगा। और ये देखो ना, रात में ना शालू ने मेरा हेयर स्टाइल बनाया था कुछ, तो ये इस तरीके से हो गया है, तो देखते हैं अभी क्या होता है। मॉर्निंग में उठ के ना चाय से शुरुआत होती है वैसे हमारी यहाँ पे उत्तराखंड में आके, तो मॉर्निंग में चाय, बिस्किट एंड नमकीन और तरबूज हमने खाया। मैंने नहीं खाया, मैं कुछ नहीं खाती हूँ मॉर्निंग में, तो मैंने हल्का सा चाय ले लिया था क्योंकि मुझे गैस हो जाता है ना, फिर भी मुझे लगा कि चलो पी लेना चाहिए। तो अभी नाश्ते में क्या बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये सिंदूर बिंदी कैसा लग रहा है ज़रूर बताना। यहाँ पे हमारी क्यूट्यूब क्यूट्यूब सी दीदी बना रही है पराठा शालू के लिए। ये क्या है, घी इतना सारा खाएगी क्या? हाय हाय मेरी हीरोइन, अचार देना है क्या? गाइस को बताओ, अचार देना है, घी देना है, मक्खन देना है, बटर देना है, क्या देना है? क्या देना है? अचार। अचार। दाल के पराठे बन रहे हैं और यहाँ पे ये गांव की बीन्स है जो कि हमारी सासू जी लेके आए हैं, तो बीन्स कटाई हो रही है। और मैं लेके आ गई हूँ हैरी के लिए दूध। और यहाँ पे ये दोनों लोग बरसाने के मॉर्निंग का गीत सुन रहे हैं। तो गाइस अभी ना भाभी और चले गए और यहाँ पे हो रही है खाने की तैयारी।
सो रायता एंड आलू बीन्स की सब्जी, और यहाँ पे बन रही है दाल। और हमारी परी आ चुकी है स्कूल से। परी हाय। ओ परी नमस्ते कर दो सबको। ओ विशु दीदी आ गई। ओ थैंक्स। अभी आप देखोगे यहाँ पे मैंने बच्चों के लिए काट दिया है मैंगो एंड ये है खरबूजा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बच्चों के लिए मैंने काट दिया है मैंगो और ये है खरबूजा बच्चों के लिए, ये क्योंकि जब तक खाना बनेगा तब तक बच्चे इसको एंजॉय कर लेंगे। एंड ये है मटर खाने के लिए, मटर और मशरूम बनने वाला है और यहाँ पे बनने वाला है मटर एंड पनीर। तो पनीर रश्मि जी कट कर रहे हैं। ये है पाउडर वाला पनीर और ये है घर वाला पनीर। दो दो पनीर होते हैं मेरे जीजी की शॉप पे। ये क्या आया, लीची आ गई। तो फ्रेंड्स लीची भी आ चुकी है बच्चों के लिए। एंड यहाँ पे रायता रख दिया आपने बना के विशु बहरी के लिए। पानी गर्म हो रहा है और यहाँ पे मेरी बन रही है मज़ेदार सब्जी ले जाने के लिए और इसमें दाल रेडी हो चुकी है। दीदी यहाँ पे चीरा फाड़ी कर रही है लीची के साथ। लाओ दीदी एक एक खा लो पहले। मैं जरा ये दंडी तोड़ के और वो कर देना इधर देख के। सो हमारी हीरोइन आ चुकी है। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई है, तुम बच्चों को बताओ। हैं अंकल जी। परी विशु 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 इधर तो सुनो, अंकल जी आपसे क्या बोल रहे हैं। तो आपने दिया नहीं उनको, देना चाहिए, दे दो। है विशु वन दे दो, वन दे दो, वन दे दो। नहीं मेरा बच्चा, नहीं खाओ मेरा बच्चा, उनको नहीं देना। अल्लाह तुम्हें बहुत खाओ मेरा बच्चा, मेरा लाल खाइए आप। ऐसे कह रहे हैं आपको ही नहीं, आप दे दो। वो कह रहे हैं नहीं, ये बहुत जल्दी समझ में आ गया, वो कह रहे हैं कि आप खा लो। सो गाइज अभी हम घर से निकल चुके हैं और बज चुके हैं शाम के चार, साढ़े चार बज चुके हैं और हमारी ट्रेन है हरिद्वार से 6:30 की, आई थिंक मेरे को इतना ही पता है। 6 बजे की है तो पता नहीं, बट 6:30 की है। बट हमें अभी लगता है कि हमारी ट्रेन छूटने वाली है क्योंकि यहाँ पे कोई भी टैक्सी नहीं है और कहीं पे भी मेरे को बस आती जाती नहीं दिखाई दे रही है। क्यों चालू बस कितने बजे आती है बेटा, 4 बजे ये बोल रही है, 4 बजे आती है तो 4:30 बज चुके हैं। मोसा जी बोल रहे हैं और अनीता दीदी अपना अमृत लेने गई है। अमृत से मीन्स उनके ना पेट में दर्द होता है पथरी वाला, जो वो सहन नहीं कर पाते हैं, तो वो लेने गए हैं अपने लिए दवाई। और मैं हूँ यहाँ पे और धूप बहुत ज़्यादा तेज है। सो देखते हैं वीडियो में, आगे बने रहिए कि हम जम्मू पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते हैं। मज़ा अब आया हो मेरे फ़ोन में तो मज़ा। टिक 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 देखो देखो उसके हाथ चल रहे हैं, धुम्मु धुम्मु लक लक धुम्मु धुम्मु लक लक। सो फ्रेंड्स अभी ना प्रॉब्लम ये हो गई है कि गाड़ी मिल ही नहीं रही है, तो मैं इधर आई हूँ टैक्सी देखने कि कोई टैक्सी मिल जाए, बट यहाँ पे भी कोई टैक्सी नहीं दिखाई दे रही है मुझे ना। बच्चों के साथ अश्मित जी हैं, मम्मी और दवाई लेने गए हैं और बस अभी लगता है कि हम नहीं जा पाएंगे।